सिंध में जिमनी बल्दियाती इंतखाबात के नतायज की आमद का सिलसिला जारी। बोल न्यूज की सबसे पहले गैर सरकारी नतीजा देने की रिवायत बरकरार। मॉडल कॉलोनी यूसी साथ जामे मिलिया डिग्री कॉलेज का गैर हतमी नतीजा आ गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 124 वोट लेकर आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 69 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। यूनियन कमेटी 5 गुलबर्ग टाउन पोलिंग स्टेशन 13 में जमात इस्लामी के इरफान शाह 46 वोट लेकर आगे। पीटीआई ने 5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 वोट्स हासिल किए। हैदराबाद में यूसी 140 पोलिंग स्टेशन नंबर 2 में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जुल्फिकार अली 329 वोटों के साथ पहले नंबर पर और आज़ाद उम्मीदवार मुख्तियार अली 312 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और हरनाई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। 3 दहशतगर्द जहानों बासर। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आ गई। धमाके से मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद। ISPR का कहना है कि फोर्सेस बलूचिस्तान के अम को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तकवीत देती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हरनाई में जाम शहादत नोच करने वाले जवानों को खराज अकीदत। शहदा के बुलंदी दर्जा की दुआ और लवाहिक़ीन से इजहार ताज़ियत। पंजाब में शदीद धुंध और स्मॉग का राज बरकरार। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध की शिद्दत में कमी के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मार्केट्स रात 8 बजे बंद ना करने की खिलाफ वर्जियों पर 75 दुकानें, 1 शादी हॉल और 14 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर सील किया गया। सूबे भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 1,69,54,000 के जुर्माने आयद किए गए। 8,477 से जायद गाड़ियों के चालान हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।